पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 1 पद, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 1 पद हम पढ़ेंगे बाइबल से। इसीलिए ये जो लिखा है कि परमेश्वर ने एलिया को चुना कि वो अहाब से बात कहे कि मेरे बिना कहे ना मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये इज़राइल का वो समय था, जब देखिए ध्यान से, ये इज़राइल का वो समय था जबकि इज़राइल बैकस्लाइडर हो गया था, इज़राइल परमेश्वर से फिर गया था। और यहाँ पे इज़राइल के कारण से जो बाल का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया था और उस कारण से इजरायली यहोवा से फिर गए थे। इस कारण से परमेश्वर ने अपने दास एलिया को चुना और उसे एक वचन दिया और वो वचन था कि मैं जो एलिया हूँ, जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के सामने प्रेजेंट रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और लिखा है ये वचन परमेश्वर की ओर से उसके पास आया था। और इसके बाद बाइबल में लिखा है 3 पद को आप पढ़ेंगे, छिप जा और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए रोटी और मांस बुलाया करेगा। और परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के बावजूद भी, परमेश्वर की फायर से भरने के बावजूद भी, परमेश्वर का वो अभिषिक्त वचन अहाब को देने के बावजूद भी, परमेश्वर ने क्यों कहा कि तू करीब नाले के पास जा और मां छिप जा? क्योंकि ये समय 3.5 साल का समय था जो परमेश्वर ने अपने दास एलिया के ऊपर प्रकट करा था। और इस 3.5 साल परमेश्वर चाहता था कि एलिया छिपा रहे। परमेश्वर के लोगों, आज कोई भी व्यक्ति अभिषिक्त होने के बाद, फायर से, आग से भरने के बाद क्यों छिपना चाहेगा? आज भी कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग अभिषेक को पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, पर परमेश्वर में छिपना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में छिपना नहीं चाहते हैं। क्यों वो छिपना नहीं चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य के प्रवृत्ति है, वो दिखाई देना चाहता है, वो सामने आना चाहता है। उसे लगता है कि अगर मैं सामने नहीं आऊंगा तो इस अभिषेक का सामर्थ का क्या फायदा। लेकिन इसके बावजूद भी कि वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, आग से भरा हुआ था, उसने प्रभु के वचन की ओर कान लगाकर वो जाकर करीत नाले के तरफ वो छिप गया। हालेलुया। और जब आप करीत का मतलब पढ़ेंगे तो करीत का अर्थ है खेल करना, अपने आप को मार देना। परमेश्वर ने एक ऐसी जगह पर एलिया को भेजा जहां उसे मरना था, जहां उसे अपने अपने मैं को खत्म करना था, जहां उसे रहकर अकेले में, जहां उसे उसे कोई मिलने नहीं आ रहा था, वहां पर उस व्यक्ति को अपने आप को खत्म करना था। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में छिपना अपने मैं को, अपने अहम को खत्म करना है। और जब आप अपने मैं और अपने अहम को खत्म नहीं करते हैं, हम लगातार दिखाई देते हैं सामने। यीशु मसीह हमारे अंदर दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर दिखाई नहीं देती है, हम दिखाई देते हैं।
और ये काम परमेश्वर ने एलिया से करने को कहा कि जा, अब एक काम कर, जब तूने मेरे वचन को अहाब तक पहुंचाया है, अब तू जा करीत में जाकर छिप जा। कई बार परमेश्वर हमें छिपाना चाहता है, अपने में छिपाना चाहता है, अपनी उपस्थिति में छिपाना चाहता है, प्रार्थनाओं में छिपाना चाहता है। कई बार जब आप अकेले होते हैं, अकेलापन आपको मारता है, वो खिल करता है आपको जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं, लेकिन हम छुपना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यही है, हम दिखाई देना चाहते हैं, कुछ भी करके हम सामने आना चाहते हैं कि मनुष्य हमें देखे, लोग हमें देखे। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को छिपाया क्योंकि एलिया के द्वारा एक पूरे देश को, एक पूरे जगह के अंदर एक बड़ी जागृति को परमेश्वर लाना चाहता था। आज परमेश्वर के लोगों, यदि आप इस पूरे बेगूसराय के अंदर, इस बिहार के अंदर एक बड़ी जागृति को देखना चाहते हैं, जरूरी है कि मैं और आप छिप जाएं और अपने आप को परमेश्वर में मार दे, अपने आप को परमेश्वर में किल कर दे, ताकि परमेश्वर हम में से कुछ पैदा कर सके। आपको मालूम है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, उससे पहले जब सब चीजों को बनाया, बाइबल में लिखा उसने अपने वचन को बोला और वचन को बोलने के बाद उसने सब चीजों को क्रिएट कर दिया। लेकिन वचन के बाद परमेश्वर ने वचन को दिया, लेकिन वचन के साथ कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिसके द्वारा कुछ बनाता, उसने कुछ नहीं को लिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने कुछ नहीं को लिया और उससे सब कुछ को बना दिया। आज मैं और आप कुछ नहीं होना चाहते, हम सब कुछ होना चाहते हैं, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पर ये प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं होना चाहते। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थिति में आ जाएं जहां हम कुछ भी ना रहे, जहां हम नथिंग हो जाएं, जहां हमारे विचार खत्म हो जाएं, जहां हमारे सपने, हमारी योजनाएं खत्म हो जाएं, और वहां से परमेश्वर अपनी योजना, अपने प्लान को हमारे जीवन में प्रकट करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बार बार अपनी इच्छा, बार बार अपनी योजना, बार बार अपने सपने, अपनी हर तरह की बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसे कहते हैं इससे तू बना दे, इससे तू मुझे बना दे, ये चीज शायद, ये नौकरी मेरे जीवन के लिए कुछ कर सकती है, ये प्लान मेरे जीवन के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। आपको और मुझे वो करीत के पास इसीलिए लेकर जाना चाहता है ताकि वो हमें खिल कर दे और हमें कुछ नहीं कर दे, और यही वो एलिया के जीवन में करना चाहता था। और जब वो एलिया के जीवन में ये करना चाहता था, क्योंकि वो एक रिवाइवल को, एक जागृति को परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस इज़राइल जाति के अंदर वो एलिया का इस्तेमाल करना चाहता था। आज कितने लोग परमेश्वर के काम आना चाहते, अपने हाथ को खड़ा करके दिखा सकते हैं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल आप लोगों से है, कितने लोग उसके काम आना चाहते हैं। ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं कैसा सवाल है ये, कई लोग ऐसा हाथ उठाते हैं जैसा आप ये सांप बना रहे हैं, हाथ सीधा खड़ा कर सकते हैं। कितने लोग इसके काम आना चाहते हैं, कितने लोग जागृति में भाग लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको करीब में जाना पड़ेगा, आपको किल होना पड़ेगा, आपको छिपना पड़ेगा। मैंने पहले भी जब ये मैं आया तो जब हम वर्शिप टीम में थे तो हम दिखाई देना चाहते थे क्योंकि हमें लगता था बहुत अच्छा गाते। जब हमने प्रचार करना शुरू करा था, देखिए जब हम प्रचार करना शुरू करा तो हमें लगता था कि हमारा प्रचार सुनना चाहिए, हम तो कुछ तो हैं, हम जवान हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लगता था कि कुछ दिखाई देना चाहिए, बड़ा कूद के बहुत अच्छे से चीजों को करते थे ताकि हम परमेश्वर को दिखाए, ना दिखाए, खुद को दिखाए, खुद लोग हमें देखे। लेकिन परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा मनुष्य को दिखाना नहीं है, मनुष्य के अंदर अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को दिखाना है। हालेलुया,
हालेलुया। लेकिन मनुष्य ग्लोरी को महिमा को नहीं प्रकट करना चाहता, वो खुद को दिखाना चाहता। एलिया चाहता तो वो परमेश्वर से कह सकता था कि प्रभु अभी तो आपने मुझसे कहा कि मेरे कहे बिना मेह नहीं बरसेगा, ओस नहीं पड़ेगी, तो मुझे क्यों छिपने की जरूरत है। जो परमेश्वर जिस व्यक्ति का उपयोग करना चाहता है, सबसे पहली बात वो परमेश्वर की सुनने वाला होना चाहिए। अब मनुष्य और परमेश्वर के लोग उसकी आवाज को इग्नोर करते। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके आत्मा को ना बुझाओ और ना उसके आत्मा को शोकित करो। कैसे हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर सकते हैं? उसकी आवाज को इग्नोर कर, उसकी उसके प्लान को हम अपने जीवन में पूरा ना करके हम उसे शोकित कर सकते हैं। प्राइमरी पहली बात यह है कि हम उसकी सुने, और उस परिस्थिति में भी सुने जब हम अपने अपने जीवन के पूरे पीक स्थान पर हो, पूरे ऊंचे स्थान पर हो, अपने सामर्थ्य प्रार्थना करने वाले हो, आशीष से भरे हो, वो वहां पर भी हमें किल करना चाहता है। आपको सब आपकी आशीष प्राप्त हो गई, आप चंगे हो गए, आपको प्रार्थना में बढ़ गए, पवित्र आत्मा मिल गया, तब से परमेश्वर अपना प्लान शुरू करता है। अब तुझे मारने की बारी आ गई है, क्योंकि तू अपने आप को दिखाने वाला है। अब तू दिखाएगा कि अच्छा ये क्या करेगा, ये प्रार्थना करेगा, ये पास्टर है, अरे इससे तो अच्छा हम प्रार्थना करते हैं, इससे तो अच्छा हम विजिट कर लेते हैं, इससे तो अच्छा हम कर लेते हैं सब कुछ। परमेश्वर हमें नथिंग करना चाहता है, हमें कुछ नहीं बनाना चाहता है, ताकि वो हम में से बहुत कुछ बना सके। हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अभी दो तीन लोग बोले नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही? बोले मैं, बोले मैं सो रहा हूं। सो तो नहीं रहे आप, जाग रहे हैं? अच्छा लग रहा है सुन के? कितने लोग खरीद में जाना चाहते हैं, कितने लोग खेल होना चाहते हैं, कितने लोग नथिंग होना चाहते हैं, कुछ नहीं बनना चाहते। आप किसी से पूछो क्या बनना चाहते हैं? ये हम ये बनना चाहते हैं, हम ये चीज करना चाहते हैं, हमारे जीवन का ये प्लान है। अरे खरीद में आकर सारे प्लान को परमेश्वर नष्ट करता, सब कुछ को परमेश्वर खत्म करता है, ताकि हम में से वो कुछ पैदा कर सके, और इस पूरी दुनिया और पूरी जगहों पर वो हमारे द्वारा महिमा को पैदा कर सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वास्तविक प्लान है, ये योजना परमेश्वर की है। हमारी योजना तो ब्लेसिंग हो सकती है, चंगाई हो सकती है, अपने आप को दिखाना हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्लान है कि मैं तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। और यही परमेश्वर ने करा, खरीद में रखा, और खरीद में दो टाइम खाना आता था, सुबह को आता था, रोटी आती थी, मांस आता था, और एक बहुत चालाक जानवर कब उसे बाइबल में कहा कोवे को परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, उसे आज्ञा दी थी, उसे खाना खिलाया कर। आपको मालूम है अगर कुछ पीने का मन था तो वहां नाला चल रहा था, कोई चाय नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस रोटी खाना और परमेश्वर में ठहरे रहना, उसकी आवाज का वेट करना। जब आप परमेश्वर में छिपते हैं, को वेट करना, आपको इंतजार करना होता है कि अब वो कब मुझसे बात करेगा। आज कलीसिया को बहुत सारे लोगों की आवाज सुनने की आदत है, वर्शिपर्स की, पास्टर्स की वगैरह वगैरह, बहुत सारे यूट्यूब पर पास्टर्स की आवाज सुनने की आदत है, जैसे सैमुएल को एली की आवाज सुनने की आदत थी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब आप करीत में उस नाले के पास जाते हैं, आप प्रभु में छिपते हैं, आपको वेट करना है कि आप उसकी आवाज को सुन सके। आपको मनुष्य की आवाज को इग्नोर करके आपको प्रभु की आवाज सुनना है। जो मनुष्य गलती कर रहा है वो प्रभु की आवाज को इग्नोर करके वो मनुष्य की आवाज पर ध्यान लगाता है, उसे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, इसके बाद सुननी चाहिए, इससे मुझे फायदा हो सकता है।
और बाइबल में लिखा है एक समय आया कि नाला सूख गया, खाना चल रहा था, पानी चल रहा था, लेकिन एक समय आया वो सब भी सूख गया, पूरा टेंट आत्मा में शरीर में नथिंग कर दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद परमेश्वर इसे एक जगह पर ले गया सारपत में। कहां पर लेकर गया आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर 19:17 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। बस देखा है कि आप क्या कर कि आप जैसे यहाँ बंद हो गया है तो अब क्या कर, तू चल अब सारपत में जा और एक विधवा को है ना मैंने तेरे खाने की आज्ञा दी है वहां जा और वहां रुका रह। हमें लगेगा कि करीब में वो खत्म हो गया, एक समय था जब वो उसका समय बीत गया, लेकिन आपको मालूम है सारपत का अर्थ क्या है? सारपत का अर्थ है धधकता हुआ भट्टा। क्या अर्थ है धधकता हुआ? मौत से परमेश्वर इसे सेकंड में दूसरे स्थान पर एक धधकते हुए भट्टे में लेकर आ गया, पूरा साफ करना, शुद्ध करना। हालेलुया। कई बार हमें लगता है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ओ लॉर्ड ओ प्रभु तू परमेश्वर कुछ में से कुछ करे, लेकिन तब जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको वो करीब से निकालता है और फिर आपके भट्टे में डालता है, कठिन परिस्थितियों में डालता है, आपको वो कठिन जगहों पर डालता है, आपको ट्रेन करता है और आपको सिखाता है कि आप कैसे परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं, कैसे आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, किन बातों को लेकर परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मालूम है जब ये सारपत गया अहाब इसे ढूंढ रहा था, क्योंकि ये हेवन को ये आकाश को बंद करके आया था, पूरा अकाल था, ना किसी को खाना नहीं मिल रहा था। अहाब एलिया को ढूंढ रहा था क्योंकि इसने कहा था मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा, ओस नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे ढूंढा जा रहा था। और आपको मालूम है इसे परमेश्वर ने कहां छिपाया? लिखा है सिदोन के सारपत नगर में छिपाया। आपको मालूम है सिदोन किसका नगर है? आपको मालूम है सिदोन एजेबेल का घर है, शत्रु के घर के पास में से सिपा छिपाया गया कि चल अब मैं तुझे वहां से बचाया, अब तुझे शत्रु के खेमे के पास में रखता, और इसे छिपाया और एक विधवा के यहां पर। आपको मालूम है उस समय जितनी भी विधवा थी उस समय सब विधवाएं और सब जो लेडी थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी वो सब परमेश्वर से फिर गई थी, लेकिन एक यही विधवा थी। बाइबल में नए नियम में यीशु ने कहा कि बहुत सी विधवाएं उस नगर में थी पर सारपत की विधवा को छोड़ एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। एक ऊंची हालेलुया मिल सकती है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर ने इसे भेजा एक ऐसी औरत के पास जो विधवा थी। विधवा का मतलब क्या होता है? हेल्पलेस, जिसकी सहायता करनी होती है। लेकिन एलिया गया और वो लकड़ियां बीन रही थी, बाइबल में लिखा है उसने कहा मुझे रोटी दे, और उसने कहा हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हम इसे खाकर मरना चाहते हैं। लेकिन एलिया ने कहा नहीं, मैंने मुझे दे ताकि मैं खाकर ऐना तेरा आटा भी बढ़ता रहेगा, तेरा तेल भी बढ़ता रहेगा। वहां पर वो रहा और वहां पर रहने के बाद कुछ दिन बाद बाइबल में लिखा उसका बच्चा मर गया विधवा। प्रॉब्लम, समस्या वहां होने लगी। आपको मालूम है परमेश्वर ने मूसा को कितने साल प्रेम करा, कितने साल सिखाया? 40 साल परमेश्वर ने सिखाया। और क्या करता था वो? भेड़ चराया करता था, है ना? 25 साल तक यूहन्ना को जंगल में रखा, 25 साल तक, और जंगल में रखकर उसे ट्रेन करता रहा,
कई बार वो मुझे और आपको आपके भट्टे में लेकर जाता है ताकि वो हमें और शुद्ध कर सके और हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात ना रहे जिससे हम बार बार ये कह सके मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, परमेश्वर मुझे जरूरत नहीं है अब किसी की भी, मैं कर सकता। वो हमें शुद्धिकरण की तरफ लेकर जाता है। यदि आप जागृति को चाहते हैं, जागृति आप में हो सकती है, आप में सुसमाचार हो सकता है, परमेश्वर इंटरेस्टेड है, परमेश्वर इस विश्व के अंदर मेरे और आपके द्वारा जागृति को लाना चाहते हैं। आपको मालूम है आपके आसपास आज इज़राइल के जैसी ही दशा है, सब लोग परमेश्वर से फिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी आवाज सुनकर खरीद में पहुंच सके, अपने आप को नथिंग बनाए, अपने आप को आपके भंडे में रखे ताकि परमेश्वर उससे कुछ पैदा कर सके। क्या आप वो व्यक्ति हो? क्या आपको परमेश्वर इस दुनिया के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? मैं नहीं जानता परमेश्वर ये वचन मुझे किस व्यक्ति के लिए दिया है, लेकिन मैं ये जानता हूं यहां पर बैठा हुआ है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, जिसके हृदय में परमेश्वर इस वचन को बोल रहा है, क्या वो व्यक्ति है जिसके द्वारा वो न सिर्फ बिहार के अंदर परंतु विश्व के अंदर एक बड़ी जागृति को पैदा करना चाहता है? हालेलुया। आपको नथिंग होना पड़ेगा, वो कुछ नहीं से बनाना चाहता। क्या आप कुछ नहीं होना चाहते? परमेश्वर शुरुआत इससे करता है, अपना वचन भेजता है और फिर वो नथिंग से, कुछ नहीं से बनाता, कुछ नहीं से बनाता और वो बनाता जाता है। क्या हम अपने आप को किल करने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार? क्या अपने सपनों को मारने के लिए तैयार है? क्या उस कठिन समय में हम अपनी इच्छाओं को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है एलिया का मन नहीं करता होगा अच्छा खाना खाने का जब वो करीब में होगा? लेकिन कोई परमेश्वर से शिकायत नहीं, प्रभु के साथ वो रहा और उस वेट करता रहा, उसके शब्दों का वेट करता रहा। ये नहीं मालूम हमें कितने महीने वो रहा, लेकिन निकाह कुछ दिनों बाद वो जगह सूख गई। अब ठहरना पड़ता है, आपको उसमें छिपना पड़ता है। बहुत सारे लोग आज परीत से दूर हैं, वो परमेश्वर के पास तो है लेकिन वो किल होना नहीं चाहते, वो कुछ नहीं होना अपने जीवन में ये तो कभी सोचते नहीं। अरे मैं शून्य की हूं, मैं तो सब कुछ हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता। अगर आप और मैं कर सकते तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मुझ में से बहुत सफल ला सको। परमेश्वर की दया के द्वारा मैं और आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी परमेश्वर की दया के द्वारा यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। पिछले नवंबर में हम यहाँ पर आए और हमें मालूम हुआ फोन पे कि मेरी मम्मी को कैंसर है और हम यहाँ से जल्दी गए भागकर, और हमें मालूम हुआ कि मेरी मम्मी के पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक कैंसर है और बड़े हम दुखी थे। हमने बहुत सी प्रार्थनाएं करी। चार पांच महीने बाद मार्च में पिछले महीने 24 तारीख को मम्मी की डेथ हो गई। चार पांच महीने ही हुए और जिस दिन डेथ हुई उस दिन हमें दफनाने का परमिशन नहीं मिला और हमें मम्मी को शमशान ले जाना पड़ा। और जब हम शमशान लेकर गए पूरा गांव हमारे विरोध में आया, उन्होंने कहा हाँ हम तो गए इनका अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया और बहुत से आसपास के कुछ धार्मिक लोग भी आए। वो जो बड़े धार्मिक लोग थे उन्होंने कहा ये गलत है, जब ये वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ इनका क्या काम, भी सही करे, अपनी जगह सही थी, प्रभु के पास है तो हमारा बात था, लेकिन हमारी मजबूरी थी। लेकिन बहुत विरोध हुआ और पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन अंतिम संस्कार हो गया। इसके बाद हमारे नाम को पुलिस में शांति भंग करने में हमारे नाम को दे दिया गया, थाने में दिया गया और
चुनाव का समय उत्तराखंड में 19 तारीख को चुनाव हुए थे और हमें तारीख पे जाना पड़ा। और उसके बाद मम्मी की डेथ के बाद मेरे भाई ने हमें छोड़ दिया। तीन भाई हैं और दो बहन हैं। मेरे भाई ने परिवार को छोड़ दिया, कुछ पारिवारिक जमीन के विवाद के कारण से उन्होंने छोड़ दिया और ये हमारे लिए